We have complete this thing. Next is word write opposites choosing from the list. लिस्ट से चूज करना है कौन सा ऑपोजिट यहाँ पर आएगा. लेकिन ऑपोजिट होते हैं उल्टे अल्फाज कि अगर एक सही है तो उसका उल्ट क्या होगा. अगर मैं कहूँ कि डे दिन तो दिन का उल्ट क्या होगा रात नाइट. उसी तरह केयरफुल एहतियात करें. केयरफुल का ऑपोजिट केयरलेस. जोक होता जाता है उसके ऊपर आप टिक लगाते जाएं. ठीक. अगला ब्लैक काला वाइट सफ़ेद. WHITE स्पेलिंग ऊपर से देख के ध्यान से लिख लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो. अगर कोई मिस्टेक होती है तो रेज़र का इस्तेमाल करना ना भूलें. टीचर उस्ताद स्टूडेंट तो तालिब इल्म STUDENT स्टूडेंट. राइट दुरुस्त रोंग गलत WROONG रोंग. हॉट गर्म कोल्ड सर्द COLD कोल्ड. टिक लगाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि ये वर्ड आप लिख चुके हैं. नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑपोजिट्स ऑफ द कलर्ड वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. सबसे पहले तो आप जो वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ वो अंडरलाइन कर लें ताकि आप उनके फिर ऑपोजिट्स पर लिख सकें ब्लैंक्स में. फर्स्ट में आपने लिखना है टी इज़ डैश बट आइस इज़ कोल्ड. कोल्ड को अंडरलाइन करें. अली इज़ टॉल बट इमरान इज़ डैश टॉल को अंडरलाइन करें. दिस मैन इज़ डैश बट दैट मैन इज़ यंग. यंग को अंडरलाइन करें. आई केम टू स्कूल डैश बट यूर केम टू स्कूल अर्ली. अर्ली को अंडरलाइन करें. अस्मा इज़ कोवर्ड बट सारा इज़ डैश कोवर्ड को अंडरलाइन कर लें. ओके. अब आपने इन जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स बताए हैं इनके आपने ऑपोजिट्स इन ब्लैंक्स में लिखने हैं. पहला है कोल्ड सर्द ठंडा या सर्द. इसका आपने ऑपोजिट बताना है दैट इज़ हॉट HOT हॉट. टी इज़ हॉट. चाय गर्म है बट आइस इज़ कोल्ड. लेकिन बर्फ ठंडी है. अली इज़ टॉल. अली लंबा है बट इमरान इज़ लंबे का ऑपोजिट क्या होगा शॉर्ट SHORT शॉर्ट. इमरान छोटा है. दिस मैन इज़ डैश बट दैट मैन इज़ यंग. दिस मैन इज़ यंग क्या होता है जवान. तो जवान का ओल्ड क्या होगा बूढ़ा. दिस मैन इज़ ओल्ड बट दैट मैन इज़ यंग. आई केम टू स्कूल डैश बट यू केम टू स्कूल अर्ली. मैं स्कूल देर से आया लेकिन आप स्कूल जल्दी आ गए. तो देर की इंग्लिश क्या होती है लेट LATE लेट. अस्मा इज़ कोवर्ड बट सारा इज़ डैश. अस्मा बहुत बुजदिल है लेकिन सारा बहुत बहादुर है. और लास्ट वन इज़ ब्रेव BRAVE ब्रेव. सो टू क्लास टुडे वी हैव कम्प्लीटेड आवर टू पेजेस पेज नंबर 8 and 9. आपने होमवर्क में क्या करना है आपने इन दो पेजेस को अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करनी है. जैसे कि ये सिंगुलर प्लूरल्स हैं कोशिश करें कि सिंगुलर प्लूरल आप याद कर लें. उसके अलावा ये वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं देयर आर ओनली 5 वर्ड्स ऑपोजिट्स ये भी आपको याद होने चाहिए. और ये जो ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं इनका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि इज़ आर एम किसके साथ यूज़ होता है और हैज़ और हैव हम कब यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट थिंग जो आपको जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पर दी गई हैं उन सारी पिक्चर्स में आपने प्यारी प्यारी सी कलरिंग कर लेनी है. कोशिश करें येलो लाइट पिंक लाइट ब्लू पैरट ग्रीन इस तरह का कलर यूज़ करें क्योंकि ये कलर्स अच्छे होते हैं. अगर डार्क कलर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो आपकी पिक्चर से बाहर ना आए. ओके टू क्लास अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आप कल फिर लेक्चर नंबर 5 में मैं मिलूँगी. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.